हेलो स्टूडेंट्स, ORM 3 में हम लोग एल्काइल हैलाइड की SN रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स की SN रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ईथर्स की SN रिएक्शंस भी पढ़ चुके हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग NCERT का एल्काइल हैलाइड चैप्टर में जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है वो मैक्सिमम रिएक्शंस कवर कर लेंगे एक्सेप्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस। ईथर की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दोनों तीनों तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कवर कर लिए, ये मेन रिएक्शन। और अल्कोहल्स की भी तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिए एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन को छोड़कर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं SN रिएक्शंस ऑफ ईपॉक्साइड्स। वैसे ईपॉक्साइड्स की SN रिएक्शंस NCERT में डायरेक्टली तो कुछ इस जितना डिटेल में हम बताएंगे उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईपॉक्साइड का एक बेसिक हाइड्रोलाइसिस ही NCERT में दिया हुआ है। उसकी कुछ और रिएक्शंस भी हम लोग यहाँ लेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ये 12th पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईपॉक्साइड्स। ईपॉक्साइड्स क्या होते हैं? यही तो है ईपॉक्साइड्स, थ्री मेंबर साइक्लिक ईथर, ये ईपॉक्साइड है। अब है तो ईथर ही, ईथर का हाइड्रोलाइसिस या ईथर की SN रिएक्शन तो मैं इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा ही चुका हूं, इससे अलग से लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है वो समझना। ईपॉक्साइड में रिंग स्ट्रेन है, इसमें हाई रिंग स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन है तो ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। इसी कारण एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन करता ही है, ईथर है, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन कर लेता है ना। देखिए, कैन गिव SN रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन करता है। पहले लाइन बना लेता हूं, फिर जगह नहीं बचेगी उस तरफ। जैसे आप समझिए, ये रहा एक ईपॉक्साइड, और ईपॉक्साइड में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करो तो आप जानते ही हो क्या होने वाला है, तो ईथर ही। लेकिन ये बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, H प्लस यहां आएगा, OH यहां आएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बना, दोनों तरफ एल्कोहल। अभी कुछ देर पहले जब ईथर में हाइड्रोलाइसिस किया था तो भी दोनों तरफ एल्कोहल ही बने थे, ये बना, ये क्या बना, विसिनल डाइऑल। हालांकि इस कंपाउंड को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर डिहाइड्रेशन से वापस ईपॉक्साइड बनता है, लेकिन ये SN रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो डिहाइड्रेशन है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन से ईपॉक्साइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन समझना है ना, ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में होती है, और उसका मैकेनिज्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इससे पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ा होगा, इसे लिखो। मैकेनिज्म के लिए मैं तो पूरा बोर्ड कवर करूंगा, लिख लो इसे, वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए। अब मैं मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने। मैकेनिज्म देखिए, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों की मैकेनिज्म एक साथ बता रहा हूं। देखिए, यहां मैंने एक अनसिमेट्रिकल RCHCHD ये ईपॉक्साइड लिया है, और यहाँ ऑक्सीजन 18 लगा दिया। अभी बताऊंगा ऑक्सीजन 18 का यूज किया, ये डी क्यों लगाया है। मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज किया है, ऑक्सीजन 18 यूज किया है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा मान लीजिए तो ऑक्सीजन 18 यहाँ रह जाएगा, तो पता पड़ेगा कि हाँ ये बॉन्ड कब टूटता है, और ये बॉन्ड टूट रहा है तो ऑक्सीजन 18 साइड में रह जाएगा, तो पता पड़ जाएगा भाई बॉन्ड किस साइड से टूट रहा है। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में रिएक्शन डिफरेंट टाइप से होती है। पहले मैं राइट साइड में लिख लेता हूं, इन एसिडिक मीडियम भाई, एसिडिक मीडियम है तो फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये R
CH डी ऑक्सीजन 18 पर आ गया ये H प्लस, ये रहा ऑक्सीजन 18, यहां आ गया ऑक्सीजन पे प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जैसे मैं हाइड्रोलाइसिस के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म ले रहा हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, समझना कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ, थोड़ा सा रास्ता भटक गया, इसको सही रास्ता दिखाते हैं, यहाँ, और ये बॉन्ड टूटता है, इसी जगह अटैक करता है, कहाँ, मोर क्राउडेड कार्बन पर, है ना, लिख लीजिए ऑन मोर क्राउडेड कार्बन, कार्बन कहां अटैक किया, मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक किया, यहां लेसर क्राउडेड था, मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक किया, और अटैक भी बिल्कुल बैक साइड से किया, फ्रॉम अपोजिट साइड से अटैक किया, इस साइड से, एंटी एडिशन टाइप का है ये। अच्छा, इसको आप किसी से कोरिलेट करके समझ सकते हो, आप याद करो मैंने आप लोगों को एल्कीन पर मैकेनिज्म नंबर 2 पढ़ाई थी, जब इलेक्ट्रोफाइल कोई लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल आता था, है ना, और किस तरह का बनता था, इस तरह का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था बैक साइड से अपोजिट साइड में, और उस कार्बन पर अटैक करता था जहां क्राउडिंग ज्यादा थी, वहां रीजन बताया था, वही रीजन आज भी है, वहां रीजन क्या बताया था कि इस जगह अटैक क्यों होता है, उसका कारण ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल ने जब ये बॉन्ड बना रखा है तो ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, ये बॉन्ड वीकर होता है, वीकर बॉन्ड टूटना आसान है, और स्ट्रॉन्गर क्यों होता है कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी कैटायन बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो सेकेंडरी कैटायन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा उस साइड से बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, इस कारण से ये बॉन्ड टूटना, इस जगह अटैक होता है यहां, सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां अटैक होगा मोर क्राउडेड कार्बन पर, ये बॉन्ड टूटता तो पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा बनता, हालांकि पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज यहां बना नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और इसका बॉन्ड का टूटना एक साथ हुआ है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ आर, ये स्टेप इसका आरडीएस भी होता है, आरडीएस, इसमें यहां सीएच और यहाँ ऑक्सीजन एच, और ऑक्सीजन 18 कॉर्नर पर है, यहाँ ड्यूटीरियम है एक, और यहाँ आया है H2O और उसका ऑक्सोनियम आयन बना, फिर इसमें से क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो यहाँ से H प्लस निकल गया और R CH OH CHD और ऑक्सीजन 18 इस कॉर्नर पे रहेगा, ये बनेगा, ठीक है, क्या बना, विसिनल डायोड। चलो बेसिक मीडियम में पहले बता देता हूं, फिर उस पर वापस आऊंगा। मान लीजिए रिएक्शन बेसिक मीडियम में की OH माइनस के साथ, है ना, इन बेसिक मीडियम, ये मैं कहीं भी कैपिटल लिख देता हूं, थोड़ी सी वो आदत पड़ी हुई है, बेसिक मीडियम और विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अच्छा होता है तो फिर वो वहाँ अटैक कर देता है, भाई यहाँ ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रखे हैं ना, यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी था, इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी था, तो यहाँ भी अटैक कर सकता था, यहाँ भी अटैक कर सकता था, बट वहां अटैक करता है जहां जहां क्राउडिंग कम होती है ना, तो ये वाला SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा इस जगह, और यहां लिख लीजिए ऑन लेसर क्राउडेड कार्बन एटम, लेसर क्राउडेड मैं बोल भी रहा हूं कार्बन, और वो भी कहां से, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना, आर सी एच और ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन 18 है ना, वो टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और सी एच और डी और इस कार्बन पे वो न्यूक्लियोफाइल आया OH, फिर बाद में आपने इसमें H+ डाल दिया, ये बाद में डाला है, पहले नहीं डाला था,
है ना, रिएक्शन होने के लिए डाल दिया पहले न्यूक्लियोफाइल, जब उसने रिएक्शन कर ली, गिगनार एजेंट डाल दिया मान लो, गिगनार एजेंट ने रिएक्शन कर ली, उसके बाद में एच प्लस डाला है जिससे कि ऑक्सीजन पे एच आ जाएगा। तो ये क्या बना, आर सी एच ऑक्सीजन पर एच, ऑक्सीजन 18 सी एच डी एंड ओ एच, ये वाला कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता पड़ा होगा कि अटैक बैक साइड से ही हुआ है, अटैक बैक साइड से अटैक हुआ है तो उसका कैसे पता पड़ता है, बताता हूं। सुनो, मान लीजिए आपने जो कंपाउंड लिया था ना स्टार्टिंग में, उसमें ये दो कायरल कार्बन, ये जानबूझ के रखे थे मैंने दोनों कायरल कार्बन, इन दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर था स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट में इनका कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन वाले ये कायरल कार्बन थे। जब यहां रिएक्शन हुई एसिडिक मीडियम में तो देखा गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एस आ गया और इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहा, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्वर्जन हुआ है तो इस बीच वाले कार्बन पे हुआ है, तो इसका मतलब अटैक भी यहीं हुआ होगा और वो भी बैक साइड से हुआ होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन 18 कॉर्नर पे रह गया तो अटैक यहीं होगा, तभी तो बॉन्ड टूट के चला गया। इस केस में जब रिएक्शन हुई तो यहां इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन तो आर ही था, लेकिन ये कॉर्नर वाला जो कायरल कार्बन जो आर कॉन्फिगरेशन का था उसका कॉन्फिगरेशन में इन्वर्जन हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी रिएक्शन बैक साइड से हुई है। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन तो कौन सी है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, पर एसिडिक मीडियम की ये जो रिएक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है ये SN2 है क्या या SN1 है? SN1 होती तो ठीक है, मोर स्टेबल कैटायन की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन SN1 होती तो बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन इसमें तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बना है ना, एस कॉन्फिगरेशन है। चलो SN1 मान लेते हैं, SN1 में बैक साइड से अटैक होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, सॉरी SN2 मान लेते हैं, SN2 में बैक साइड से अटैक होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन SN2 में तो लेस क्राउडेड कार्बन पे रिएक्शन होती है ना। ठीक है, तो यह ना तो ये अच्छी तरह से SN1 है ना ही अच्छी तरह से SN2 है, बट रिएक्शन की जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको SN2 बोलेंगे। ये एबनॉर्मल SN2 रिएक्शन है, एक स्पेसिफिक SN2 रिएक्शन है। मुझे लिखने में भी डर लग रहा है यहाँ पर कि SN2 लिखूँ तो दिमाग में तो कन्फ्यूजन तो ना हो जाएगा, लेकिन अपने आप में डिफरेंट टाइप की SN2 रिएक्शन होती है, जिसमें बस इतना सा है कि मोर क्राउडेड कार्बन पर रिएक्शन होती है और इन्वर्जन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होता दोनों ही केसेज में, दोनों ही केसेस में रिएजमेंट नहीं होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, मैंने हालांकि जो चीज़ें बतानी थी वो सब यहीं बता दिए। अब आपको कुछ लगता है तो एक एक पॉइंट नोट डाल के लिखते रहो, ये बोलने का अर्थ ही इतना था कि आप लोग इसे पॉइंट को लिखो, एग्जांपल्स करो, जब इससे रिलेटेड मैं कुछ और एग्जाम्पल कराऊंगा, इसे कंप्लीट कर लो, मिटाता हूं अब मैं इसे, वीडियो पॉज करके इसे कंप्लीट करो जल्दी से, अब मिटा रहा हूं बस। एग्जाम्पल्स लेते हैं रिलेटेड, ये लीजिए एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड, कायरल कार्बन के तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस ये बता दीजिए कहाँ अटैक होता है, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन रिएक्टेंट के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कंपाउंड इससे रिएक्शन करते हैं, इपॉक्साइड से रिएक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है इथाइल एल्कोहल डाल दिया गया एसिडिक मीडियम में, सेकेंड है सोडियम इथॉक्साइड डाल दिया गया, फर्स्ट स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड डाल दिया गया और कुछ देर बाद में जब रिएक्शन हो गई तो उसमें थोड़ा एसिड भी डाल दिया गया। थर्ड रिएक्शन, इसमें HBr की रिएक्शन की गई, कॉन्सेंट्रेटेड HBr, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? नेक्स्ट है HBr 1 मोल ही डाला है ना, एक्सेस में नहीं डाला, 1 मोल, और फिर मैंने इसकी रिएक्शन गिगनार एजेंट से करा दी, RMgX से करा दी फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस। जो RMgX करेगा वही काम RLi भी कर देगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही ले लो तो एक ही बात है। सोडियम एजाइड से रिएक्शन हुई है
और फिर सेकंड स्टेप में एसिड डाल दिया गया है। इसकी रिएक्शन मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की। याद कीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ईथर तो सॉल्वेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर, ये ईथर से रिएक्शन नहीं करता है ना, क्योंकि ईथर इसका सॉल्वेंट है, बट इपॉक्साइड से रिएक्शन करता है। रीजन आपको पता है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? एच माइनस। कहां जाएगा, कैसे अटैक करेगा, इसको रास्ता बताओ जरा। फिर अगर मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम और एच की जगह ड्यूटेरियम ले लिया होता, और फिर सेकंड स्टेप में तो वाटर डालते हैं, हालांकि कई बार लिखते नहीं हैं, पर फिर मैंने लिख दिया है। इनके प्रोडक्ट्स बना दो, जल्दी से बना दो। तो तुम इसे लिखो, इतनी देर में मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, इतनी जगह में तो हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू में यहाँ इस तरह का इपॉक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ H, यहाँ CH3। रिएक्शन किया गया इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, है ना। एक मिनट, एक और चीज, गगना रिएजेंट और आर एल आई के दोनों के सॉल्वेंट भी होते हैं, ईथर होते हैं। याद करो करो, मैंने जब बताया था स्टार्टिंग में गगनाइट ईथर में बनाया जा सकता है, पर वहाँ मैंने ये नोट भी लिखवाया था कि 3 membered and 4 membered इपॉक्साइड्स और ये जो साइक्लिक ईथर होता है उनका यूज़ नहीं कर सकते गगना रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट के फॉर्म में। कारण यही था, क्योंकि 3 and 4 membered से ये रिएक्शन करता था, आज भी करता है। 4 membered रिंग से भी रिएक्शन करते हैं दोनों। अभी तो इसकी रिएक्शन करो, कहाँ अटैक होगा, सेकंड स्टेप में। स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर बताना इसका। चलो प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, वीडियो पॉज कर लो, मैं बस एक ही चक्कर लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, फिर प्रोडक्ट बना दूंगा। फटाफट कर लो आप लोग। बस आपने बना लिया। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, एच प्लस पहले यहाँ लोन पेयर पे आया होगा, और मोर क्राउडेड कार्बन पे रिएक्शन होती है, जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, जहाँ कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो CH3CH CH2OH कॉर्नर पे आएगा और यहाँ आएगा OET, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें तो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन करता है, लेस क्राउडेड कार्बन पे रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो OET कॉर्नर पे आएगा और प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3CH CH2OET एंड O- बनेगा। O- के लिए H+ आपने डाल ही दिया है, इस तरह का कंपाउंड बनना चाहिए। यहाँ एसिडिक मीडियम में H+ आएगा इस जगह, ईथर से रिएक्शन करता है ये, H+ यहाँ आएगा, H+ यहाँ आएगा, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, मोर क्राउडेड कार्बन पे BR लगाओगे, तो CH3CH BR यहाँ होगा और CH2OH यहाँ होगा, है ना। इसमें बेस अगर डाल दोगे तो बेस इस H+ को निकालेगा, O- बनाएगा, अगेन इपॉक्साइड बन सकता है। RMGX में R- के तो कहने ही क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेस क्राउडेड कार्बन पे रिएक्शन करता है, बॉन्ड टूटेगा और CH3CHO- और CH2R ग्रुप आएगा, और यहाँ माइनस जो है उसने वाटर के साथ H रिएक्शन करके ये बना दिया होगा। एजाइड भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, यहीं आएगा लेस क्राउडेड कार्बन पर और बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3CHOH CH2 और N3। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H- भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही आता है, तो इसका H- आएगा, लेस क्राउडेड पे रिएक्शन करेगा, CH3CHO- बना, CH और 3 कर देता हूँ, एक और H आ गया और वाटर का H भी यहाँ आ गया, है ना। इससे नीचे लिखूंगा तो दिख तो जाना चाहिए। इसमें ड्यूटेरियम है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा, तो CH3CHOH बन जाएगा और CH2 और यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे। देखते हैं नीचे वाला दिख रहा है तो ठीक है, वरना ऊपर लिखूँ, उसे दिखाई तो देना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, एग्जाम्पल नंबर टू में वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, कहाँ,
ऑक्सीजन के बैक साइड से, ऑक्सीजन डॉटेड लाइन पे है मतलब नीचे की तरफ है, तो ऊपर से आके अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ओ माइनस नीचे जाएगा, मिथाइल ऊपर की तरफ रहेगा, जो एच था उस एच को नीचे धकेल दिया जाएगा, मिथाइल ऊपर की तरफ आएगा। कहने का मतलब ये इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, यहाँ तो आएगा ओ माइनस और ये मिथाइल, गिगनारी एजेंट से आया हुआ मिथाइल ये रहा और एच ये रहा, ओ माइनस ने वाटर से एब्जॉर्व किया एच, ये वाला कंपाउंड बना, सिस कंपाउंड बना। क्लियर है? एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे जो कि अच्छा एग्जांपल है, काफी बढ़िया एग्जांपल है। ये इपॉक्साइड है और यहां लगा हुआ है Cl और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी गई, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। यहां कार्बन, बाद में लूंगा, कार्बन 14 और कार्बन 12 का डिफरेंस है। बुक्स में ये क्वेश्चन जब आता है तो इसमें प्रोडक्ट बना के दे दिया जाता है, यूं यहां OH आ जाता है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। और आपको क्या लग रहा है यार, सही है ना सर, ये OH माइनस ने Cl को हटा दिया, फिर इपॉक्साइड पे रिएक्शन क्यों नहीं की, करनी चाहिए ना, इपॉक्साइड पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, स्टेरिक क्या रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो वहां अटैक करना चाहिए। तो देखो हुआ ये, और यहाँ अगर 12 और कार्बन नंबर 14 लगा दो ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, यहाँ 14 और यहाँ 12 ये आएगा, तो तुम सोचोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, कार्बन को चेंज कर दिया क्या, है ना, कार्बन चेंज थोड़ा ना होते हैं, अपनी पोजीशन कैसे निकाल देंगे, कार्बन वार्बन चेंज नहीं हुए हैं। हुआ यही था कि OH माइनस ने अटैक किया है इस जगह लेस क्राउडेड कार्बन पे, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ अटैक हुआ और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन नंबर 14 पर जुड़ गया है, ये कार्बन नंबर 14 पर जुड़ गया है और O माइनस बना, और CH2 और Cl है, ये कार्बन नंबर ये 12 है, ये 14 है, तो कार्बन नंबर 12 पे ही तो OH आया। और ये O माइनस ने इंट्रा मॉलिकुलर SN2TH रिएक्शन कर ली तुरंत ही, ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया, वरना ये OH यहाँ अटैक कर रहा है, ये O माइनस बनते ही यहाँ अटैक करेगा, इसे निकाल देगा, तो ये इंट्रा मॉलिकुलर SN2 रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना है, मतलब इपॉक्साइड 14 से जुड़ा हुआ है, थोड़ा उल्टा बनाया मैंने, और ये ऑक्सीजन 12 से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 12 से। तो ये इपॉक्साइड्स के SN रिएक्शन हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट था वो सारा मैंने इसमें समझा दिया है। ओके, इसके बाद में लेते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की SN रिएक्शन।